नंबर एक, आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट साइंटिफिकली प्रूवन है एक कनेक्ट फॉर्म करने के लिए, एंड इट इज ऑल्सो शोन कि जितना ज्यादा आप आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखते हैं उतना ही लोग आपको स्मार्ट कंसिडर करते हैं। लेकिन आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना बहुत ऑकवर्ड हो सकता है, तो अ गुड हैक फॉर दैट इज जो कलर ऑफ द आई है ना उसको डिटर्मिन करने की कोशिश करिए। तो आप उनकी आंखों में देखिए एंड देन स्टार्ट टॉकिंग लाइक द वे आई एम डूइंग इट राइट नाउ। अगर आप उनकी नाक को देखेंगे या उनके माथे को देखेंगे या उनके कान को देखेंगे तो वो दिख जाएगा, लेकिन अगर आप आंखों में आंखें मिला के बात करेंगे एंड मेंटेन आई कॉन्टैक्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, पीपल विल बिगिन टू थिंक दैट यू आर एक्चुअली स्मार्ट। नंबर दो, नर्वस हो रहे हैं कोई इवेंट से पहले, इंटरव्यू से पहले, किसी कॉन्वर्सेशन से पहले, प्रेजेंटेशन से पहले। इट इज प्रूवन कि च्यूइंग गम चबाना नर्वसनेस को थोड़ा सा काम कर देता है। ऑफ कोर्स यू कांट डू इट व्हाइल हैविंग दैट कॉन्वर्सेशन, लेकिन उससे पहले अगर आप एक च्यूइंग गम चबा लेंगे एंड जस्ट च्यू इट विदाउट मेकिंग नॉइज, ऐसे नहीं बट जनरली व्हाट इट डज इज इट दिस सूदन्स एंड काम्स यू डाउन। द वे दैट इट वर्क्स इज मेंथॉल, जो यूजली पेपरमिंट वाला होता है, that makes it cool for you, so it kind of titillates the cool senses, but more importantly aapka jo dimag hai wo chewing ki taraf focus ho jata hai, so you stop thinking about all the things jo aapko distract kar rahe the, wo nervous kar rahe the, and you begin to feel a sense of calm. Number 3, agar koi aapse gussa hai to unke saath jaakar baith jaiye, jitna aap unse duri bina ke rakhenge na utna hi unka gussa एक्टिवेटेड रहेगा, क्योंकि दूर से किसी इंसान पे चिल्लाना या गुस्सा दिखाना आसान है, बट इमेजिन अगर आप उनके साथ बैठे हुए हैं तो अब इट बिकम्स रियली हार्ड फॉर देम टू बी एंग्री एट यू। तो तभी बोलते हैं ना कि अगर बहुत इंसान आप पे गुस्सा है तो जाके गले मिल लीजिए, इट विल इंस्टेंटली डिफ्यूज द सिचुएशन। अगर आप गले नहीं मिल सकते बिकॉज देर आर टाइम्स व्हेन यू कांट, जस्ट सिट नेक्स्ट टू देम। इट इज वेरी डेंजरस, बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है कि यार कहीं मारवाई दे या इतनी जोर से चिल्लाएंगे तो और ज्यादा हमें डर लगेगा, बट इट इज प्रूवन कि जैसे ही आप एक एंग्री इंसान के साथ जाकर बैठते हैं उनका एंगर कम हो जाता है। नंबर 4, एक कॉन्वर्सेशन में अगर आप सोच रहे हैं यार ये इंसान मेरे में इंटरेस्टेड है या नहीं है, नॉट नेसेसरली रोमांटिकली इन एनी वे, देन ऑब्जर्व देयर फीट। अगर उनके पैर आपकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं मतलब दे आर फुल इनटू द कॉन्वर्सेशन, लेकिन अगर आप ऐसे बात कर रहे हैं और उनके पैर इधर की तरफ या उधर की तरफ हैं, दैट मींस दे वांट टू गेट आउट ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन। ये इंस्टेंट हैक आपको बता सकता है कि क्या कॉन्वर्सेशन आपको कंटिन्यू करनी चाहिए या वो इंसान ऑलरेडी चेकआउट कर चुका है, तो आप भी अपना वक्त बर्बाद ना करते हुए या जाया ना करते हुए उनको जाने दीजिए, एंड दैट बिकम्स अ स्मार्ट सेंसिबल एंड फास्ट वे ऑफ डिटर्मिनिंग इंटरेस्ट लेवल्स। नंबर 5, सवाल पूछना साइंटिफिकली प्रूवन है मेक्स यू मोर लाइकेबल। रियली आप जितने सवाल पूछेंगे ना उतना ही लोग आपको एक तरीके से चाहने लगेंगे, एंड हियर इज द रीजन व्हाई। बहुत कम लोग सवाल सुनते हैं, ज्यादातर लोग जवाब सुनते हैं, एंड जब जवाब देते हैं ना तो यू कम अक्रॉस एज ओवर स्मार्ट, यू कम अक्रॉस एज ओवर कॉन्फिडेंट, यू कम अक्रॉस एज मे बी नॉलेजेबल, बट ऑफन लाइक यार ये इंसान ना हमेशा जवाब ही देता रहता है, सवाल का पूछे। But when you genuinely ask questions, ये नहीं कि what's your name, what's your age, when were you born, ये सारे fundamental चीजें don't make you smart. But when you ask genuine questions, समझने के लिए, सीखने के लिए, परखने के लिए, you come across as likable and people over time begin to think of you as smart as well. अब ये school और college के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि स्कूल और कॉलेज में हमें कभी भी सवाल पूछने की ट्रेनिंग नहीं मिली थी, हमें तो सिर्फ जवाब देने की ट्रेनिंग मिली थी, वो भी सिर्फ एक सही जवाब। And that makes it really hard, particularly people in the Indian education system training, to ask questions. इसीलिए ये hack बहुत बहुत फायदेमंद है अगर आप particular भारतीय culture या work environment में इसको use करेंगे। Number 6, मैं कुछ आपको ऐसा बता रहा हूँ जो आपको already पता है, तो आपका एक natural reaction क्या होगा? होगा पता है पता है पता है पता है। अरे I know. When you do that ना लोग आपको लाइक नहीं करेंगे। Here is a simpler way of doing it. अगर आपको ये चीज ऑलरेडी पता है, सुनिए, आंखों में आंखें मिलाकर सुनिए, एंड एट द एंड जस्ट स्माइल बैक। दैट एक्नॉलेजेस इट। उनको ये पता चल जाता है कि आपने सुन लिया है। दे वुडंट गेट टू नो कि आपको पहले से ही पता था या नहीं पता था। व्हाट यू एंड अप डूइंग इज मेकिंग देम फील हर्ड, एंड एट द सेम टाइम डोंट
hurt them. तो प्लीज लोगों को अगर आपको ऑलरेडी पता है ये मत बोलिए यार पता है पता है पता है प्लीज टाइम मत बर्बाद कर पता है पता है. Instead, listen and smile back. साथ बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको देख रहा है लेकिन आप उनको डायरेक्टली नहीं देखकर देखना चाहते कि क्या वो आपको देख रहे हैं तो हैक इज आप यॉन करिए. यॉन करिए कि यॉन करते करते आप उनको देखिए. इट एक्चुअली वर्क्स. इट वर्क्स ऑलवेज. क्यों? क्योंकि जब आप यॉन करते हैं ना तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप सबसे हार्मलेस हैं. एक यॉन करता हुआ इंसान कभी ना किसी को डेंजर कर सकता है. डेंजर कर सकता है किसी के लिए डेंजर नहीं हो सकता. किसी को कभी गाली नहीं दे सकता. किसी पे चिल्ला नहीं सकता. वो तो यॉन कर रहा है उबासियां ले रहा है क्या ही कर लेगा. तो दैट डिसार्म्स देम. तो वो उतने अटेंटिव नहीं होते कि ये मुझे देख तो नहीं रहा है वो मुझे फिगर आउट तो नहीं कर लेगा कि मैं उनको चेकआउट कर रहा हूँ सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड दैट देन हेल्प्स यू फिगर आउट जो आप एक्चुअली में करना चाहते हैं. इंटरेस्टिंग राइट. नंबर 8 अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने देन आस्क फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन. बहुत इंटरेस्टिंग हैक है पर्टिकुलरली ऑफिस के लिए. लेट्स से कि आप एक आइडिया प्रेजेंट करना चाहते हैं लेकिन आपको लग रहा है यार ये 2-3 लोग हैं जो उस आइडिया के विपरीत है सो इनको कन्विंस करना जरूरी है. हियर्स हाउ यू डू इट. यू आस्क फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन. आप बोलते हैं यार मेरे पास कुछ आइडियाज हैं आप अपने आइडियाज क्यों नहीं शेयर करते. देन दे विल शेयर सम आइडियाज वो भी कर लेंगे. एंड देन इनकॉर्पोरेट व्हाट दे हैव एंड देन मेक इट इनटू योर आइडिया एंड प्रेजेंट इट. जब कोई अपने कॉन्ट्रीब्यूशन को एक लार्जर आइडिया में देखता है ना तो वो उस आइडिया को रिजेक्ट नहीं कर पाते हैं. दैट इज द साइकोलॉजिकल हैक जो आप डिप्लॉय कर रहे हैं. ट्राई इट. लेट मी नो हाउ इट वर्क्स. नंबर 9 बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. गलत बोलते हैं. रिसर्च ने यह स्थापित किया हुआ है कि लास्ट इंप्रेशन उतना ही जरूरी है जितना कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन. इसको प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट ने एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया विच वॉज नॉट अराउंड पीपल बट अराउंड एन एक्सपीरियंस. आपको 2 गाने सुनाए जाते हैं 60-60 सेकेंड के. एक गाना नॉर्मल चल रहा है चाहे वो अच्छा है बुरा है एंड लोग बोलते हैं इसको आप रेट करिए. मतलब साइंटिस्ट पूछते हैं आपसे इसको आप रेट करिए तो आप रेट करेंगे ऑन अ स्केल ऑफ 5. तो किसी ने बोला 3 किसी ने बोला 4 फेयर एनफ. एक कंट्रोल ग्रुप है सिमिलर मिक्स सिमिलर बैकग्राउंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. उनको एग्जैक्ट सेम गाना दिखाया जाता है या सुनाया जाता है सॉरी. लेकिन लास्ट के 5 सेकंड में ना एक बहुत ही ऐसे करके कोई आवाज आती है इरिटेटिंग सी लाइक रियली डेफिनिंग एंड इरिटेटिंग आवाज. फिर उनको बोला जाता है रेट करिए एंड सरप्राइजिंगली दे रेटेड द एग्जैक्ट सेम सॉन्ग मच लोअर. लास्ट इंप्रेशन काउंट्स. द सेम थिंग हैपेंस इन रियल लाइफ एज वेल. अगर आप किसी से मिल रहे हैं किसी से बात कर रहे हैं तो जैसे आप उस कॉन्वर्सेशन को एंड करेंगे ना दैट विल बी जस्ट एज इंपैक्टफुल. तो जब आप एक इंटरव्यू में जाते हैं तो योर हैंडशेक और योर एड्रेस गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग व्हाटएवर द केसेस इज इंपॉर्टेंट शुरुआत में. बट व्हेन यू लीव हाउ कॉन्फिडेंटली डू यू लीव. डू यू से गुड बाय. डू यू से थैंक यू. हाउ कॉन्फिडेंटली डू यू से इट. वो सारी चीजें मैटर करती हैं इन क्रिएटिंग दैट इंप्रेशन जो कि एक ओवरऑल पैकेज बनाता है. सो डोंट डिस्काउंट द लास्ट इंप्रेशन. नंबर 10 द बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट. बहुत इंटरेस्टिंग और काउंटर इंट्यूटिव साइकोलॉजिकल हैक है. अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको पसंद करे देन आस्क देम फॉर अ फेवर. व्हाट? इट सीम्स काउंटर इंट्यूटिव राइट. क्योंकि इंट्यूटिवली हमें लगता है कि अगर हम चाहें कि कोई हमें लाइक करे तो हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए ना. ये इफेक्ट बोलता है एंड दिस हैज बीन प्रूवन टाइम एंड अगेन कि अगर आप किसी से कोई फेवर मांगते हैं और वो इंसान आपके लिए वो फेवर करता है दे टेंड टू लाइक यू मोर आफ्टर दैट. एंड द रीजन इज क्योंकि उन्हें पता है कि उनका कोई कमिटमेंट या वक्त या तजुर्बा या कुछ आपकी तरफ गया है. सो नाउ इट इज अबाउट आई हैव टू लाइक दिस पर्सन क्योंकि इसके अंदर मेरा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स. तो द नेक्स्ट टाइम अगर आप चाहें कि आपके बॉस आपको लाइक करते हैं या आप चाहें कि कोई आपके कॉलीग आपको लाइक करें then ask them for a favor. It's almost like ask them for help. तो आप अपने बॉस के पास जाके बोलेंगे कि बॉस आई वुड रियली वैल्यू योर हेल्प अगर आप इस प्रेजेंटेशन में मुझे इस स्लाइड पे फीडबैक देंगे. When they'll give you, they'll tend to like you more. They'll also like the work that they have contributed towards, which was one of the hacks जो आपने पहले बात करी थी. And that creates a wonderful loop जहां आप इस psychological hack को use करके अपने benefit के लिए आगे बढ़ सकते हैं. नंबर 11 आप सुबह उठते हैं और एक गाना आपके दिमाग में चले जा रहा है
चले जा रहा है, चले जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, और आप ऑलमोस्ट उस गाने को खत्म करना चाहते हैं. एंड द वे टू डू दैट इज टू लिसन टू द एंटायर सॉन्ग, दैट्स व्हेन इट विल स्टॉप. ये इफेक्ट होता है जब हमारा दिमाग सिर्फ इनकम्प्लीट चीजों को रजिस्टर करता है. जब कभी भी हमारे कुछ काम इनकम्प्लीट होते हैं ना, हमने अभी तक खत्म नहीं किए होते हैं, वो हमारे जहन में ज्यादा रहते हैं. जो काम हम कर चुके हैं ना, वो हमारे दिमाग से निकल जाते हैं. द सेम वे अगर कोई गाना आपके दिमाग में अटक गया है, तो उस गाने को पूरा सुनिए, कंप्लीट करिए, एंड यू विल देन लेट गो ऑफ द सॉन्ग, क्योंकि आपका दिमाग उस चीज को कंप्लीट कर चुका होगा. नंबर 12, अगर आप चाहते हैं कि कोई ये समझे कि आप उनको गौर से सुन रहे हैं, देन द राइट वे टू डू दैट इज कीप नॉडिंग. व्हेन यू नॉड, इट गिव्स द सबलिमल इफेक्ट कि आप उनको ध्यान से सुन रहे हैं. एंड दैट मे बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू, जरूरी नहीं है, बट इट डेफिनेटली गेट्स देम टू शेयर अ लॉट मोर. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे रणबीर भैया. वो मीम तो शुरू हो ही चुका था, एंड दिस इज इज ब्यूटी. जब आप एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपके सामने एक गेस्ट हैं जो बहुत सारा शेयर कर सकते हैं, एंड आप चाहते हैं कि वो करें, देन यू हैव टू ब्रिंग दिस साइकोलॉजिकल हैक. अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि रणबीर फेक कर रहे हैं, वो जेन्युइनली एक बहुत क्यूरियस इंसान है, तो वो सुन भी रहे हैं. बट द इफेक्ट दैट इट ब्रिंग्स जब वो इतने अच्छे से नॉड करते हैं, इज दैट सामने वाला इंसान और खुल के शेयर करता है, और ज्यादा शेयर करता है, एंड दैट मेक्स इट सच अ वंडरफुल कन्वर्सेशन. एंड फाइनली नंबर 13, रिगार्डलेस कि आपका दिन कितना बुरा गया, रिगार्डलेस कि कितना मुश्किल था, रिगार्डलेस कि क्या क्या जस्तोजहद से आप गुजरे हैं, द सिंपलेस्ट वे टू कन्वर्ट अ बैड डे इनटू अ गुड डे इज अ ग्रैटिट्यूड एंट्री. ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि दिन के एंड में अगर आप एक चिट्ठा लिखते हैं ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर, कि मेरे माँ बाप स्वस्थ हैं, मेरे भाई बहन अच्छा कर रहे हैं, मेरे दोस्त मुझे प्यार करते हैं, मेरी टांगे चल रही हैं, मेरे हाथ चल रहे हैं, मेरे पास सर के ऊपर छत है, खाने को खाना है, पहनने को कपड़े हैं, वट एवर द केस में भी हो, वट एवर यू ग्रेटफुल फॉर, कि मैं आज एक अच्छे इंसान से मिला, मेरी फोटोज पे इतने लाइक आ गए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, वट एवर इज, इट डजेंट मैटर, इट इंस्टेंटली मेक्स यू फील लाइक यू आर इन कंट्रोल. आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ बुरा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं, एंड उसके लिए आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं, एंड दैट गेट्स योर माइंड टू स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव. ये 13 साइकोलॉजिकल हैक जो कि हर एक इंसान अपनी जिंदगी में अपना सकता है, टू मूव अहेड, टू मेक पीपल थिंक दैट यू आर स्मार्ट, टू मेक पीपल बिलीव दैट यू मीन वेल. एंड आई वुड लव फॉर यू टू शेयर कि कोई और हैक जो आपने यूज किया है एंड आपके हिसाब से बहुत अच्छा चलता है, कमेंट सेक्शन में हम सबके साथ शेयर करिएगा, ताकि वी कैन ऑल लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस. दिस इज अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ. मेरी नई किताब गेट एपिक शिट डन अब मार्केट में अवेलेबल है. इस किताब में मैं 36 ऐसे सवालों के जवाब देता हूं जो आप अपनी जिंदगी से शायद हर रोज पूछते हैं. बहुत सिंपल किताब है. एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में एक कॉन्वर्सेशन में ये किताब लिखी गई है. इस बुक को खरीदने के लिए लिंक Amazon का पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन में है.